हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे जेपी पावर, जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड की। इसके ऊपर क्या न्यूज है, कैसे शेयर प्राइस उसको रिएक्ट कर रहा है, उसके ऊपर हम देखेंगे। उससे पहले रिजल्ट्स कैसे आए थे उसको भी एक बार हम नज़र डालेंगे, और आने वाले इस न्यूज़ का आने वाले रिजल्ट्स के ऊपर कैसा इम्पैक्ट हो सकता है, और ये शेयर प्राइस कितना ऊपर जा सकता है, किस टाइप से इसने अपना एक डाउन जो रिस्क है सपोर्ट बनाया है वो किस टाइप से है, उसको हम देखेंगे। तो वीकली चार्ट पर भी और डेली चार्ट के ऊपर जरूर हम इसे देखेंगे किस टाइप से ये स्टॉक आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो किस टाइप का इसका बनता है, आने वाले टाइम में उसको स्टडी करेंगे। तो पहले देखते हैं, प्रीवियस क्लोज 2.75 का था और आज ओपन होता है 3 रुपीज पर। हाई भी 3 का है, लो भी 3 का है, और आप देख सकते हैं 3 रुपये का एक अपर सर्किट जो है 9.09% के आसपास का इसका सर्किट लगा हुआ है। और 5 दिन का अगर देखें आप ट्रेंड, तो ये 2.65 रुपये के आसपास था शेयर, और 2.40 के आसपास इसने लो बनाया था। और ये हमने पहले भी बताया था 2.3 और 2.4 के आसपास कहीं पे भी शेयर आपको मिलता है तो लेना चाहिए, कि डाउन साइड रिस्क इसके अंदर काफ़ी कम रह जाता है और अप साइड काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। और आने वाले टाइम में जिस हिसाब से कंपनी टर्न अराउंड हो रही है, डेट को रिस्ट्रक्चर किया गया है, प्रॉफिट्स दिखा रही है, रिवेन्यूज बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसको भी हम एक स्टडी जरूर करेंगे। तो आप देख सकते हैं 4.25 का इसका जो 52 वीक हाई है, 0.35 का इसका 52 वीक लो है, तो अपने 52 वीक लो से ऑलमोस्ट 8 टाइम्स के आसपास ये काम करता हुआ नजर आया। इसके बाद न्यूज़ देखते हैं किस टाइप की न्यूज़ है। पावर ग्रिड प्लान्स टू एक्वायर 74% स्टेक ऑफ जयप्रकाश पावर इन जेवी। तो आप देख सकते हैं 13 फरवरी की ये न्यूज़ है और सैटरडे की। तो इसके बाद देख सकते हैं आप, स्टेट ऑन पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑन फ्राइडे सेड इट्स बोर्ड हैज अप्रूव्ड ए प्रपोजल टू एक्वायर 74% स्टेक ऑफ द ज्वाइंट वेंचर पार्टनर इन जेपी पावर। जो पावर ग्रिड जेपीएल इसे बोलते हैं, जयप्रकाश जो है जेपी पावर ग्रिड लिमिटेड, ये ज्वाइंट वेंचर है जिसके अंदर 26% स्टेक जो है इसका है अपना पावर ग्रिड का, और 74% स्टेक जो है जेपी पावर का है। तो इसको 74% स्टेक जो है पावर ग्रिड एक्वायर कर रही है, और 100% इसके ऊपर इसका पावर ग्रिड का जो होली ओन सब्सिडरी ये बन जाएगी इसके बाद। इसके बाद आप देख सकते हैं, द प्रपोजल ऑफ द एक्विजिशन वाज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ पावर ग्रिड इन ए मीटिंग ऑन फेब 11th। एज ऑफ दिसंबर 31st 2020, JPL हैज पेड अप कैपिटल ऑफ 300 करोड़ एंड नेटवर्थ ऑफ ₹464 करोड़, पावर ग्रिड सेड इन द फिलिंग। तो यहाँ पर जो ये स्टेक एक्वायर किया जा रहा है 74% का, तो 74% का जो अमाउंट होगा वो कहीं ना कहीं डेट रिड्यूस होते हुए जयप्रकाश पावर का नजर आएगा। द कंपनी सेड द एक्विजिशन वुड बी कंप्लीटेड विद इन द करंट फिस्कल ईयर। JPL was incorporated to implement a specific transmission line associated with Karcham and Bank 2 HEP 1000 megawatt। तो आप देख सकते हैं ये ट्रांसमिशन लाइन थी जिसके लिए पावर ग्रिड और जयप्रकाश पावर के बीच में एक ज्वाइंट वेंचर बना था, और अब ये ज्वाइंट वेंचर टोटली जो है पावर ग्रिड जो है 74% स्टेक उसका भी लेती हुई नजर आएगी। 26% स्टेक पहले ही है उसके पास, तो होली ओन सब्सिडरी जो है इसकी बनती हुई नजर आएगी। इसके बाद आप देख सकते हैं, पावर ग्रिड एंड जयप्रकाश होल्ड 26% एंड 74%, जैसे मैंने आपको बताया। JPL हैड टर्नओवर सेल्स रिवेन्यू ऑफ 159.79 करोड़ इन 1920 एंड 159.22 करोड़ इन 1819 एंड 165 करोड़ इन 2017-18। तो आप देख सकते हैं 2017-18 में 165, 2018-19 में 159, और 2019-20 में 159 के आसपास का इनका जो है टर्नओवर रहा है। तो इस टाइप से 74% जब एक्वायर कर लेगी जो पैसा मिलता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ पर जो है डेट आपको रिड्यूस होती हुई नजर आएगी। मार्केट कैप है 1885 करोड़ के आसपास का, और ROCE है 2.63 की इसकी, और ROE माइनस में है अभी। बुक वैल्यू 14 के आसपास की है, 14.7 की, जो काफ़ी इंप्रेसिव है। अभी स्टॉक जो है 3 रुपये के आसपास काम कर रहा है, तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 80% के आसपास के डिस्काउंट के ऊपर बुक वैल्यू से आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है। जो फेस वैल्यू है 10 की है, डिविडेंड ये पे नहीं करते हैं, और डेट एक मेजर कंसर्न जरूर रहा है। पहले डेट काफ़ी हाई था इसका, 12,000 करोड़ के आसपास था, डेट रिस्ट्रक्चर हुआ है और प्लज किए हुए हैं 87.3% के आसपास शेयर्स जो प्लज किए हुए हैं। इसके बाद रिजल्ट्स पे भी एक और नज़र डालते हैं, उसका चार्ट पैटर्न को देखेंगे। रिजल्ट्स जो अभी इसने अनाउंस किए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 988 के आसपास की सेल्स निकल कर आई है, जो पिछले कई क्वार्टर से आप देखेंगे इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है।
ओपीएम परसेंटेज देखेंगे 33% के आसपास ये काम कर रहे हैं, दिसंबर 2019 में 21% के आसपास थे और अब 33% के आसपास है। अगर पिछले क्वार्टर का देखें तो 44% के आसपास है। अब एक चीज और देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसी भी क्वार्टर के अंदर इन्होंने नेगेटिव में नहीं दिए हैं, कहीं पर भी लॉस नहीं लिया है, मतलब कि कोर जो फील्ड है इनका वो काफी स्ट्रांग है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी स्ट्रांग है, सेल्स इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है और डेट अगर रिड्यूस होती है, आप देखेंगे डेट यहाँ पर जो पे करते थे 382-380 करोड़ के आसपास यहाँ तक पे कर रहे थे और यहाँ पर देखेंगे तो ये कम होती हुई आपको नजर आ रही है मार्च 2020 से जब से डेट रिस्ट्रक्चर हुई है 150 करोड़ के आसपास की। अगर डेट यहाँ से और रिड्यूस होती है तो ये प्रॉफिट्स आपको यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं इन फ्यूचर। तो कंपनी उन सभी स्टेप्स के ऊपर काम कर रही है, यहाँ से इनके डेट को रिड्यूस कर सकते हैं और प्रॉफिट्स को इंक्रीज किया जा सकता है। इसके बाद देखेंगे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो किस टाइप से है और डेटर डेज किस टाइप से हैं। डेटर डेज जो है इनके 43 के आसपास हैं। आप देखिए इसके अंदर भी काफ़ी इंप्रूवमेंट इन्होंने किया है, यहाँ पर 80 डेज थे, फिर 73 डेज थे, 111 थे और अब 43 डेज के आसपास काम कर रहे हैं। तो डेटर डेज अगर कम है तो इनको अपनी जो बिजनेस को ग्रो करवाना है या नई कैपेसिटीज को एक्सपेंड करना है उसके लिए लोन्स नहीं लेने पड़ते हैं, अपने ही पैसे को सर्कुलेट कर सकते हैं। तो डेटर डेज रिड्यूस हो रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो 26.07% के आसपास का स्टेक प्रमोटर्स का है, FII के पास 0.46 है, DII के पास 36.26 है। DII की होल्डिंग जो आप देखेंगे वो मोस्टली आपको बैंक्स वगैरह दिखाई देंगे जो कि इनका जो डेट रिस्ट्रक्चर हुआ है उसके एवज में जो इक्विटी दी गई है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। पब्लिक के पास जो है 37.21% के आसपास का शेयर दिखाई देगा जिसके अंदर 13-14% के आसपास स्ट्रॉन्ग हाथों में है, तो 22-23% के आसपास जो है पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग इसकी दिखाई देगी। तो इस टाइप से आने वाले टाइम में ये न्यूज़ जो है काफ़ी इनके लिए अच्छी हो सकती है और जो डेट है अगर वो और कम होती है आने वाले टाइम में तो इनके प्रॉफिट्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मेन जो कंसर्न है इनका डेट का ही है, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इनके काफ़ी अच्छे हैं और हमेशा ही प्रॉफिट्स में रहे हैं और नेट प्रॉफिट जो होता है इंटरेस्ट जब इनके माइनस होती है तो वो जो है इसको माइनस करती है रिजल्ट्स को, अदरवाइज ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स काफ़ी अच्छे हैं इनके। इसके बाद आप देख सकते हैं जो 26.07 के आसपास स्टेक है उसके अंदर से 87.3% अभी इन्होंने प्लज किया हुआ है। तो धीरे धीरे कंपनी टर्न अराउंड हो रही है, यहाँ पर सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इनके ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो बढ़ रहे हैं और डेट अगर रिड्यूस होती है तो धीरे धीरे ये कंपनी टर्न अराउंड काफ़ी होती हुई नजर आएगी। इसके बाद अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर चार्ट के ऊपर बात करें, वन डे का चार्ट मैंने लगा रखा है जीरोधा का, आप देख सकते हैं एक कैंडल जो है वन डे को रिप्रेजेंट करती है, डे हाई लो क्लोज को। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक लो इसने बनाया था 2.4 का, 10 फरवरी को 2.4 का एक लो बनाया था और उसके बाद से ये शेयर जो है अगेन ट्रेंड अराउंड होता हुआ नजर आया और 3 का आज हाई बनाकर एक सर्किट में है 10% के सर्किट में। और आप देखेंगे कि जो पहले भी हमने आपको बताया था जो शेयर ऊपर से नीचे आ रहा था ये लेवल जो हमने बताए थे कि इस लेवल के आसपास आप ले सकते हैं, यहाँ पर एक गैप जरूर इसके अंदर नजर आ रहा है तो इसने इस गैप को भी फिल कर दिया है और अच्छा इसने टर्न अराउंड किया है। ये जो गैप हमने आपको बताया था ये गैप बनता था ऑलमोस्ट आप देखेंगे इस लेवल के आसपास ये गैप बन रहा था 2.65 के आसपास और इसको जब इसने ब्रेक किया था तो हमने आपको बताया था 2.3 और 2.4 के आसपास का एक लो बना सकता और वहीं से ये टर्न अराउंड हुआ है और एक अच्छा बेस इसने अब बनाया है और पिछले लो जो थे उसको ना तो ब्रेक किया है और ना ही उसको टच किया। आप देख सकते हैं पिछले जो लो थे 2 रुपये 20 पैसे के आसपास थे, अभी ये 2 रुपये 40 पैसे से टर्न हुआ है तो ये अच्छी अपसाइड इसके अंदर बनती है आने वाले टाइम में। और लॉस जो अगर कोई भी डिप इसके अंदर आपको मिलता है अगेन, अगर ये आपको 2 रुपये 40 पैसे या 45 पैसे या 2.5 रुपये के आसपास भी अगर आपको मिलता है तो बिल्कुल इसे अकोमुलेट करना चाहिए क्योंकि आने वाले टाइम में ये 10 रुपये को भी क्रॉस करता हुआ आपको नजर आएगा। तो आपको कुछ क्वार्टर से देने पड़ेंगे, धीरे धीरे ये टर्न अराउंड होता हुआ और बिजनेस को बढ़ाता हुआ, डेट को रिड्यूस करता हुआ, ओपीएम इसके इंक्रीज हो रहे हैं तो 10 रुपये को भी ये जो शेयर है इजिली क्रॉस कर सकता है, बट आपको कुछ क्वार्टर्स इसको वेट करना होगा, पेशेंस अपनी दिखानी होगी। और लो कभी भी आपको आता है अगर अगेन अगर मार्केट करेक्ट करती है या शेयर करेक्ट करता है और अगर 2.4 के आसपास अगेन आपको मिलता है तो बिल्कुल आपको इसे अकोमुलेट करके चलना है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से, क्योंकि पैनी स्टॉक है, छोटा स्टॉक है तो उतना ही पैसा इसके अंदर लगाना है और पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाइड करके चलना है तो ताकि एक अल्फा आपको इस शेयर्स के थ्रू मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।